मैं गए थे आप लोगों से, मैं बताया था कि मुझे थाना जाना था, तो मैं गए थे थाना में, तो थाना में गए थे तो वहाँ पे कोई नहीं मुझे मिला है, कोई था ही नहीं। मैं थाने वाले दरोगा से बात हुआ था, जो कल वो जिनसे रिपोर्ट लिखवाया था, मैं उनसे बात किए, बोला कि आप गलत नहीं हैं, आप बिल्कुल सही हैं। जब मेरा बात सुना तो बोला कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं दिख रहा है, आप बिल्कुल सही हैं और सही का कहीं हार नहीं होता है, आप हिम्मत मत हारना, ताकि आप बिल्कुल सही हैं। जो भी जो कहना रहा है कहने दीजिए, और जो मैं मेरे को जो तुम कल गाड़ी दिए हो ना, मैं यदि मैं थाना में भी बोली हूँ, बोला है थाने में, यदि आपको मार दिया रहता ना तो वो उसकी कंप्लेन कोई नहीं थे, मगर आपके ऊपर इतना घिनौना, एक बाप होकर इतना घिनौना हरकत किया है, इसे तो कोई भी माफ नहीं कर सकता है, आ कोई करेगा भी नहीं। मैं तो खुद नहीं करने वाली हूँ। यदि मैं स्टार्टिंग में तुम्हारे घर में भी गए थे तभी मैं बोले, जहाँ मैं गलत करेंगे वहाँ तुम मार देना, पीट देना, काट के मेरे गाला भी फेंक दो, मैं बर्दाश्त कर लेंगे, मगर बेवजह के तुम मुझे इतनी घिनौना घिनौना गाली दे रहे हो हरकत में, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। एक मैं दूसरे बाप की, एक दूसरे माँ की कोख से आई हूँ, तो तुम मुझे इतनी मजबूर कर दोगे, तुम्हारे घर में मैं जाके क्या किए, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, जो किए हैं, अरे मेरे जैसा था ना कि एक अपना लेडीज होके अपना इज्जत दांव पर लगा दिया, अपना इज्जत गंवा के तुम्हारे बेटे का मैं इज्जत, इज्जत नहीं जान बचा लिए, इज्जत के तो छोड़ो, मेरे इज्जत से उसका कोई मतलब नहीं, जान बचा लिए, ताकि रहेगा ना आज ना कल, कल ना परसों, हो सके अपना न्याय की लड़ाई लड़ेगा। तो मैं अपना इज्जत दांव पर लगा के मर रहा था, का नहीं कौन बहुत कदम उठाया, फिर भी मैं उसको कौन सा कसम क्या दुनिया जहाँ बहुत धराया, हम बोले जैसे भी तुम्हें गुजारना है गुजार ले, आज न कल, कल न परसों तुम्हें न्याय मिलेगा। मगर तुम क्या सोच रहे थे कि यहाँ तक आके मुझे मजबूर करेगा, मैं मजबूर नहीं हूँ, और तुम्हारे कुत्ते जैसा भूकने से मैं डरने वाली भी नहीं हूँ, ये मेरा वादा है। और तुम जो करना होगा कर लेना, उठाओ मत रखना है अपने से, ऐसा कोई बात ना अपने दिल में रखना कि मैं कहे नहीं उससे, तुम सब कुछ कह दिए हो मेरे को, तुम्हें जितना कहना था। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए कि यदि मैं सत्य के लड़ाई में हूँ, या मैं आज 15 साल से अपने घर वाले के साथ रह रही हूँ, तो मैं बेसवा हूँ, मैं रंडी हूँ, मैं कोठा वाली हूँ, तुम क्या नहीं मेरे को बोला, तो जिसके तुम कह रहे हो ना जितना हिसाब से, तो जब रंडी थी कोठा वाली थी तो क्यों तू अपने बेटे से शादी मेरा किया, उस टाइम नहीं देखा, तेरा आँख नहीं था, फूट गया था नहीं ना। तो उम्मीद मत हारना ना, मैं हारने वाली नहीं हूँ, मैं तो अपना अब तुम्हें अब न बख्शूंगी। तुम क्या सोच रहे थे मुझे इतना मजबूर भी मत करना, या ना मैं एक बात बता रहे हैं, यदि कोई कदम उठाऊंगी तो तुम लोगों के व्यक्ति व्यक्ति को ठिकाने लगा के ही करूंगी, ये भी मेरे दिमाग में है, ऐसे नहीं करने वाली हूँ, सोच लेना। जो रखे हो ना लवंडे बेवत है, तब क्यों नहीं बोले सामने, मैं गए थे तुम्हारे घर में 3 दिन रह के आई हूँ, क्यों ना तूने बोला मेरे से, मैं नहीं आ रहा थे दिल्ली, मैं तुम्हारा पहले बात को सब फाइनल करके ही आए रहते, तो क्यों नहीं तुम बोला, हमें कह रहा है कि मुँह छुपा के भागती थी, मैं तुम्हारे घर में गए थे मुँह छुपाने के लिए, नहीं मैं यहाँ से उसी वजह से तो और गए थे, मुँह छुपाने नहीं गए थे उसी वजह से गए, बाकी तू सब मुँह छुपाया था, इधर उधर भाग रहा था, मरद था तो सामने आके दिखाते, बोल के दिखाते, तब तेरा मर्दानगी दिखाते हम भी, ठीनू अभी तुम कह रहे थे तेरा खानदान, मेरे खानदान में तो तुम घुसना मत, पहले अपना खानदान देख लियो। और दोस्तों प्लीज आप लोग मेरे YouTube फैमिली है, तो दोस्तों मैं किससे कहने जाऊंगी अपने दिल के बात, ताकि मैं भी तो आप लोगों के बीच में है, तो मैं आप ही लोगों से ना ये बात शेयर करूंगी, आप लोगों की यदि मैं जो गलत बात बोले होंगे तो मुझे माफ कर देना। अगर दोस्तों मैं अपने सत्य के लड़ाई के लिए
खड़ी हूँ और लड़ूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मेरे इज्जत पर ये इतनी छलांग मारा है, इतनी छलांग मारा है, एक को रख के घर में सारा क्रियाक्रम करके घर में रखा है, तो तुम समझ रहे ना, मैं छोड़ूंगी भी नहीं, ठीक नू, मैं ना बकसने वाली हूँ। तो दोस्तों यदि मेरे से कोई गलती हुआ होगा तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दें, और मजबूरन मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि मैं 15 साल से एकदम घुट घुट के, यदि मर भी जाएंगे कल गए तो आप लोग भी कहेंगे कि क्यों मर गई है, तो कुछ तो बात आप लोगों के कान में मैं डालूंगी, तभी तो कोई कदम उठाऊंगी, ताकि आप लोग भी मेरे परिवार है, आप लोग मेरे फैमिली है, तभी तो आप लोग जानेंगे कि इसके साथ क्या हुआ है, कैसे गुजर रही थी, क्यों ये ऐसे करी है गलत काम। तो इसीलिए दोस्तों मैं मजबूरन वीडियो बना के आप लोगों के बीच में शेयर कर रही हूँ। प्लीज मेरी वीडियो, मैं ये अपने व्यू के लिए और पैसे कमाने के लिए नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपने सत्य के न्याय और लड़ाई लड़ने के लिए कर रही हूँ। दोस्तों प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो शेयर करना, ताकि हाँ एक व्यक्ति के पहुँच जाए कि ऐसे ससुर कमीना किसी को ना मिले, मुझे मजबूर ना करे, नहीं तो मैं कुछ भी करूँगी तो सारे को मैं फंसा के ही जाऊँगी। ये भी तू सब सोच लिए, आइए अधिकांश अपने ससुराल वालों के लिए मैं वीडियो पर्सनल बना रही हूँ, तू सब आँख खोल के देख लेना, यदि कुछ हो जाए तो मैं छोड़ूंगी नहीं, यदि मेरे पति भी कुछ करेगा तो सबको मैं बख्शूंगी नहीं, मेरे दो दो बच्चा है, अब आगे के तो तुम सोचते रहना। तो मैं बस वीडियो एंड कर रही हूँ, मैं गए थे, मैं जब थाना में बुलाया था तो भाग क्यों गया था तू सबरे।